एक जलाशय में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु वास करते थे। सुनसान जलाशय में ये जीव जंतु खुशी खुशी वास करते थे, लेकिन एक कहावत है, जहाँ पे शिकार वहीं पे शिकारी। इस जलाशय के किनारे किनारे बकुले ने वास पर रखा था। मछली, मेंढक इत्यादि जो अपने मन की खुशी खुशी घूमते थे, वो लोग उसको पकड़ के खाते थे। इन लोगों में एक बकुला बूढ़ा था। बहुत उम्र हो गया है मेरा, पूरे दिन में एक भी शिकार नहीं कर पाया और कर भी नहीं पाऊंगा, लेकिन बचने के लिए तो खाना होगा। चुपचाप बैठने से कुछ नहीं होगा, दिमाग लगा के होशियारी से शिकार करना होगा। अन्य मामा, तुम नो क्यों रहे हो? क्या तकलीफ है तुम्हें? क्यों आज खाने को नहीं मिला है क्या आपको कुछ? हाँ बताइए। हाँ भांजे, तुम ठीक बोल रहे हो, मैं खाना त्याग कर दिया हूँ, अनशन पे हूँ, मैं अब कोई मछली नहीं खाता। मामा, आप शाकाहारी बन गए, इसका वजह क्या है बताइएगा? तो फिर सुनो, मैं इस जलाशय के पास जन्म लिया हूँ और यहीं पे अपना जीवन बिता के बुढ़ा हुआ हूँ। सुना हो कि आज से 6 साल तक बारिश नहीं होगी, ये जलाशय सूख जाएगा, क्या होगा सबका? इतनी खतरनाक की बात कहाँ से सुने हो मामा? दो बकुले के पास से सुना हूँ मैं। मैं अपने लिए चिंता नहीं कर रहा हूँ, मेरा तो उम्र हो चुका है, चिंता है तो तुम सबकी। तुम लोगों के साथ इतना दिन बिताया हूँ मैं, कैसे देखूँ तुम लोगों को मरते हो? अरे मामा, अब क्या बता दिए, जा रहा हूँ, क्या करूँगा, जाके जलाशय में सबको बताता हूँ ये बात। अरे अरे, चुप रहो चुप रहो, ज्यादा शोर मत मचाओ, शोर मचाने से क्या फायदा, दिमाग को ठंडा करके सोचो क्या कर सकते हैं। वरना चलो उसी बकुले मामा के पास चलते हैं, वही कोई ना कोई रास्ता हम लोगों के लिए ढूंढ के निकालेंगे, ठीक है? चलो चलो। हाँ हाँ हाँ, चलो 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 चलो। बकुला मामा, आप ही हम लोगों के लिए कुछ सोचिए, वरना हम लोग पानी के बिना मर जाएंगे। मैं भी नहीं चाहता। कोई ना कोई उपाय तो आपको ढूंढना ही पड़ेगा, हम लोग को बचाओ। एक उपाय है, है? इस जलाशय से थोड़े से दूर में एक नदी है, जिसका पानी सालों तक नहीं सूखता, बारिश हो या ना हो, वही पे तुम सबको ले जाना चाहता हूँ मैं। लेकिन ये कैसे संभव है? हम लोगों का तो पंख नहीं है जो हम लोग उड़ के जाएंगे, पहाड़ के ऊपर से कैसे जाएंगे? हाँ वो सब क्या, मैं बिना सोचे बोल रहा हूँ, तुम लोगों के लिए मैं हूँ ना, रोज एक एक को मैं अपने कंधे पे बिठा के पहुँचा दूंगा मैं, बताओ तुम लोग? हाँ हाँ हाँ, हम सब तैयार। लेकिन एक बात बता देना चाहता हूँ, मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ, एक साथ मैं सबको नहीं ले जा सकता हूँ, इसीलिए मैं रोज एक एक को ले जाऊंगा, मुझ पे विश्वास है। बातों के अनुसार बकुले मामा ने रोज एक एक को लेके जाना शुरू किए। मामा, जलाशय कितना दूर है? हाँ हाँ, आ चुका है बेटा, मैं थोड़ा थक गया हूँ, नीचे उस पत्थर पे जाके थोड़ा आराम कर लेता। लेकिन मामा, थोड़ा जल्दी कीजिएगा वरना मैं मर जाऊंगा।
अब कहा जाएगा तू? मामा नहीं, मामा बचाओ बचाओ। हा हा, बकुले मामा ने रोज रोज एक एक को ले जाना शुरू किए और बड़े ही आनंद से खाना शुरू कर दिए थे। और एक दिन लेके उड़े केकड़े को अपने साथ। मामा डला थे कितना दूर है ओल? ज्यादा दूर नहीं है ओल। मामा इतने दिनों बाद हम लोग फिर से एक साथ लहेंगे, कितने आनंद से। उससे पहले मैं तुझे खा के अपने मुंह का स्वाद बदलूंगा। बहुत दिन से मछली खा खा के बोर हो गया हो, मैं थक गया हो। नीचे उस पत्थर के ऊपर जाके थोड़ा आराम कर लेता हूँ। अरे ओ थप क्या है मामा, लेकिन जलाशय नहीं दिख रहा है। हाँ जलाशय मेरे पेट में है, अब मैं तुझे उसमें डालूंगा। लेकिन मैं तो ये तो होने नहीं दूंगा। पल फाड़, ये है गोपल फाड़। मौलवी जी, मैं कुछ दिनों से एक बात पूछना चाहता था, लेकिन पूछने का हिम्मत नहीं हुआ। अगर आप इजाजत दे तो। इजाजत दूंगा तो पूछोगे? मैं क्या शेर भालू हूँ जो तुम्हें खा जाऊंगा, या फिर मैं सुल्तान बहादुर हूँ जो तुम कुछ पूछोगे तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा, या फिर मौत का सजा दे दूंगा? जो पूछना है फटाफट पूछो, गुस्सा मत दिलाओ मुझे। क्या पूछना है पूछो जल्दी। हाँ यही मैं पूछना चाहता था, कुछ दिनों से आप बहुत गुस्से में लग रहे हैं, हर बात पे आप चिढ़ जा रहे हैं। क्या हुआ है आपको? आपका तबीयत खराब है क्या? मौलवी जी का तबीयत खराब कैसे होगा? पता है आज सुबह सुबह ही मौलवी जी 16 रोटी और 2 किलो बकरे का गोश्त खाए हैं। ऐसे में तबीयत खराब होता है क्या? नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन इतना गुस्से में क्यों है? वही गोपाल का बच्चा, वो मुझे ऐसा एक बात बोला है, उस बात को सुनकर मेरा दिमाग खराब है। क्यों? वो नाई का बेटा आपको क्या बोला है? वो गोपाल बहस में मुझे हरा दिया। बहस में आपको हरा दिया? ये क्या कह रहे हैं आप? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, आप सब सब मुझे समझाइए। ठीक है तो फिर सुनो, 2 दिन पहले मैं बाहर बैठा हुआ था, ये पागल बंदर कलम आके मुझे बुला है कि रास्ते से गोपाल आ रहा है, मैं सुना। अच्छा अब मैं पागल बंदर हो गया? पागल बंदर नहीं है तो क्या है तू? तू ही तो आकर बोला है कि नहीं? हाँ बोला था। बस वही था मेरा गलती, इस बंदर का बात सुनकर मैं अपना पुराना बदला लेने के लिए ये एक थाली खाना लेकर बैठ गया बाहर खाने के लिए, और कलाम को मैं बोला गोपाल को बुलाने के लिए। उसके बाद मैं मौलवी चाचा का बात सुनकर गोपाल जी को रास्ते से बुला लाया। तभी मैं गोपाल को बोला, देखो गोपाल मैं अवतार भोजन कर रहा हूँ। ये अवतार क्या है? ये हिंदुओं का अवतार है, तुम्हें नहीं पता? विष्णु अवतार, महेश अवतार, तुम्हें नहीं पता विष्णु का 10 अवतार है? राम किशन महेश। याद आया। विष्णु का 10 अवतार, लेकिन क्या हुआ है? मैं गोपाल को बोला देखो मैं अवतार भोजन कर रहा हूँ। तभी गोपाल मुझसे पूछा कौन सा अवतार? तृतीय? तृतीय अवतार मतलब? तृतीय मतलब सुअर भोजन, जिसे खाना हमारे धर्म में पाप है। छी छी, नाम लिया तो भी एक गंदे जानवर का। नहीं नहीं कुछ तो करना होगा हमें। क्या करेंगे बोलो? आप मुर्शिदाबाद के नवाब बहादुर के पास जाइए, हो सके वो कुछ करे, वरना मरने के बाद जहन्नम जाना होगा। ठीक है तो फिर कल ही मैं सुल्तान बहादुर के पास जाऊंगा। हाँ कल ही चले जाइए उनके पास।
हाँ ये लोग ठीक कह रहे हैं मौलवी जी, आप जाके मुसीदाबाद नवाब बहादुर से जाकर मिल लीजिए। हाँ मैं कल सुबह सुबह ही चला जाऊंगा। गोपाल आ गए हो तुम, आओ आओ आओ, आओ। क्या समाचार है? तुम्हारे गांव के जमींदार का समस्या दूर हुआ? जी हाँ महाराज, सारा समस्या जमींदार जी का दूर हो गया महाराज। तुम भी जमींदार के पैसे ऐड कर बहुत खुश हो गए होगे। अब ये बात बताइए मंत्री जी, अगर मैं कहीं से कुछ पैसा कमाता हूँ तो आप लोग जलते क्यों है? अब जैसा आपका सोच भी वैसा। मतलब गोपाल जलता है इसीलिए सोचता है कि सभी जलते हैं उसके जैसा। हाँ मंत्री जी सोच समझकर बोलिए वरना। देखिए देखिए महाराज, आपके सामने गोपाल कैसे हमें धमकी दे रहा है और आप है तो चुपचाप बैठे हैं। ऐसा ना हो कि महाराज गोपाल हमें मार दे। ओहो, चुप हो जाओ, झगड़ा मत करो। मैं विचार करता हूँ गोपाल जी, तुम इसी वक्त गोपू चंद्र से माफी मांग लो। गोपाल जैसा आज्ञा महाराज। मंत्री गबू चंद्र, मैं अपने गलतियों का अब से माफी मांग रहा हूँ, हो सके तो आप मुझे माफ कर दीजिए मंत्री जी। रहने दो, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, मत मांगो माफी। हाँ हाँ गोपाल, तो बताओ क्या बात है? हाँ मैं बोल रहा था कि जमींदार का समस्या दूर हो गया, वो खुश है और मैं मौलवी जी को बातों में हरा के मैं भी खुश हूँ। उसी के खुशी में मैं हवा में लहराते लहराते आपके पास आ गया। तुम्हारे गांव का मौलवी मतलब खान साहब? जी हाँ कबीर रत्न जी, खान साहब। उनसे क्या बात हुआ है? वो मौलवी मुझे रोज रोज हमारे हिंदू धर्म को लल कर रहा था। वो अपने मस्जिद के सामने बैठकर गोश खा रहा था और मुझे बोला, हे ईश्वर ये क्या किए हो गोपाल तुम? क्यों क्या किया हूँ? तुम्हें पता नहीं खान साहब कैसे हैं? वो जाकर नवाब बहादुर को कह देंगे, उसके बाद सोच सकते हो तुम। नवाब बहादुर हमारे राज्य से युद्ध करेंगे, हमारा राज्य पराजित हो जाएगा, फिर हम नवाब बहादुर इस राज्य में ढावा बोल देंगे, फिर उसके बाद हत्या और लूटपाट शुरू कर देंगे। अब इस राज्य में रहना ठीक नहीं है महाराज। नहीं नहीं, मैं इस राज्य को छोड़कर कल ही चला जाऊंगा। महाराज मैं जा रहा हूँ। ये क्या, तुम्हारा काम तो खत्म नहीं हुआ, कहाँ जा रहे हो? आपको पता नहीं युद्ध होने वाला है? अच्छा युद्ध का तैयारी करने जाओगे? मैं पागल हूँ, युद्ध का तैयारी करूंगा तो घर का सामान मुझे बांधना होगा, उसके बाद बीबी बच्चा लेकर बैलगाड़ी पे यहाँ से जाना होगा। ये क्या सेनापति, इस राज्य को मुसीबत में छोड़कर चले जाओगे? जाऊंगा नहीं तो क्या करूंगा, इस राज्य में रहकर मरूंगा? आप तो गोपाल और कबीरत जी को ढेर सारा अर्थ देकर छुड़ा लेंगे, उनका जान बचा लेंगे, लेकिन मेरा क्या होगा? एक तरफ तो नवाब बहादुर मुझे मारेंगे, अगर दूसरी तरफ अगर युद्ध ना करूंगा तो आप मुझे मारेंगे, मैं जाऊं तो जाऊं कहां? अगर नवाब बहादुर का कैदी में बन गया तो जिंदगी भर कल कोठरी में रहना होगा, उससे अच्छा है कि यहां से चला जाऊं। जान है तो जहान है, मैं जा रहा हूं। और अब सब क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं। ठीक है आप लोग जा सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, जब सुल्तान बहादुर का पत्र आ जाएगा उस वक्त आप लोग जा सकते हैं। ठीक है महाराज, सब जाते हैं तो जाए, लेकिन मैं मरते दम तक आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा, मैं ये आपसे वादा करता हूँ। मैं भी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा महाराज। मुझे पता है तुम दोनों छोड़कर मुझे कभी नहीं जाओगे, इसीलिए तो तुम दोनों मेरे प्रिय हो। नहीं नहीं खान साहब, मुझे विश्वास नहीं होता है। नहीं सुल्तान साहब, आपको विश्वास करना होगा।
गोपाल कह सकता है ये सुअर के गोश्त के बारे में? गोपाल कुछ भी कर सकता है सुल्तान साहब? कह सकता है, क्या बोल रहे हैं? वो कहा है मुझे, ये हमारा मुस्लिम धर्म का बेइज्जती है, आप विचार कीजिए। खान साहब, क्या किया जाए बोलिए। जैसे को तैसे ही सबक सिखाइए। हाँ सुल्तान साहब, खान साहब ठीक कह रहे हैं। गोपाल बहुत ही चालाक है, वो अपने दिमाग का बहुत इस्तेमाल करता है, इसलिए उसे इस चालाकी से सबक सिखाना चाहिए। जैसा सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे। अब कहना क्या चाहते हैं? सुनिए। वाह, सही विचार बताया हो। ठीक है, मैं कल ही कृष्णनगर में दूत भेजूंगा। गोपाल का चाल और अल्लाह का मेहरबानी। क्या हुआ सेनापति? कल तो आप जा रहे थे इस राज्य को छोड़कर, देख लिए नवाब बहादुर के पत्र नहीं आया? प्रणाम महाराज। क्या हुआ? नवाब बहादुर अपना दूत भेजे है। बस हो गया। वह चुप हो जाओ, पहली दूत को अंदर भेजो। ये महाराज। तो कल से युद्ध शुरू हो जाएगा, तो महाराज अनुमति दीजिए हम लोग अपने घर जाए। कल इस राज्य से जाने के लिए तैयारी करना होगा। जाना तुम लोग, लेकिन अभी नहीं, पहले दूत को आने दो, क्या संदेश है देखने दो। अब लगता है हमें भगवान का नाम भूलकर अल्लाह अल्लाह नाम जपना होगा। बंदेगी महाराज। आइए आइए, सुल्तान बहादुर का क्या हाल है और उनका तबीयत कैसा है? सब कुछ ठीक है, उनका तबीयत भी ठीक है। सुल्तान बहादुर आपके लिए पत्र भेजे हैं, ये लीजिए। हाँ हाँ, दीजिए दीजिए। महाराज, क्या लिखा है? ठीक है, सभी सुनिए। मेरे प्रिय दोस्त कृष्णचंद्र, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप सुखी शांति स्वस्थ रहिए, ताकि आप अच्छे से अपना राज्य चला सके। समय के साथ साथ हम दोनों दोस्त बूढ़े हो चुके हैं, हमारा दोस्ती कायम रखने के लिए मैं बहुत सोच समझ कर ये फैसला किया हूँ कि हमारे राज्य के सरोवर अलादीन से आपके राज्य के सरोवर पद्मा से विवाह करवाना चाहता हूँ, ताकि हमारे मरने के बाद हमारा दोस्ती कायम रहे। इसीलिए आप हमारे दूत को, हमारा बहु पद्मा को भेज दीजिएगा, वरना हम दोनों में इस कारण युद्ध शुरू हो जाएगा। खुदा हाफिज। ये क्या, इतना बड़ा सरोवर दूत कैसे ले जाएगा? महाराज, बहुत सारे बैलगाड़ी को बुलाकर हम सरोवर के पानी को घड़ा भर भर कर भेज सकते हैं। और बैलगाड़ी पर कुछ दासों को भेजकर हम मुर्शिदाबाद राज्य में एक नया सरोवर खुदवा सकते हैं और घड़े का पानी उसमें डाल देंगे। गोपाल क्या कहते हो? महाराज, सरोवर कोई बाल्टी का पानी नहीं जो गिलास में भर कर दे दिया जाए। महाराज, आप कभी सुने हैं कि किसी के शादी में दुल्हन को टुकड़े टुकड़े करके भेजा जाता है? सब एक से बड़ी एक बेवकूफ है। ठीक है, हम सब बेवकूफ है, लेकिन तुम तो चालाक हो ना, तो बताओ इस वक्त क्या किया जाए, बताओ बताओ गोपाल। इसमें क्या मुश्किल है, दूल्हा आकर शादी करके दुल्हन को ले जाए? मतलब नहीं समझे महाराज, तो फिर सुनिए। क्यों समझ गए महाराज? हाँ हाँ गोपाल, मैं सब समझ गया, मैं अभी पत्र भेजता हूँ। आदेश महाराज। सुनो, तुम इसे अतिथि शाले में ले जाओ। सुनो दूत, तुम जाकर इसके साथ विश्राम कर लो, कल सुबह तुम यहाँ से रवाना हो जाना।
पत्र लेकर। जी महाराज, चलिए। हाँ हाँ, चलिए चलिए। सलाम नवाब बहादुर। आओ दूत, आओ आओ। तो किसने नगर वाले पत्र पढ़कर डर गया क्या? जी नहीं नवाब बहादुर, वो लोग पत्र पढ़कर नहीं डरे है, बल्कि पत्र पढ़कर खुश हो गया है और बदले में आपको ये पत्र भेजे है। वो लोग कहाँ है वो पत्र, दिखाओ जरा। ए रहा सुल्तान बहादुर। हाँ, ये क्या? क्यों, क्या हुआ नवाब बहादुर? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं। तुम जाओ अभी और खान साहब मौलवी जी को भेज देना। ठीक है। वह, मुझे बहुत खुशी हो रही है गोपाल के बारे में सोच के मुझे। हाँ हाँ, मुझे भी सुनकर बहुत खुशी हो रही है। पत्र देखकर गोपाल के आंखों से खून के आंसू निकल जाएंगे। कहते नहीं है कहावत में, जब चिड़िया चुग गई खेत तो अब सोचकर क्या फायदा। क्यों मौलवी जी, ठीक कह रहा हूँ ना? सुल्तान बहादुर बुलाए है। गोपाल आया है क्या? आया है वो। बहुत खुश होना तुम लोग, जाओ जाके पता चलेगा। नवाब बहादुर, गोपाल आया है क्या? वो कहाँ है? पहले बोलिए खान साहब कहाँ है। मैं यहाँ हूँ नवाब बहादुर। कृष्ण चंद्र क्या बोले है, गोपाल को कब भेजेंगे? महाराज, कृष्ण चंद्र गोपाल को क्यों भेजेंगे? बदले में तुम दोनों वहाँ पे जाओ, लेकिन खाली हाथ नहीं, हमारे राज्य के सरोवर को लेकर। मतलब? मतलब ये पत्र पढ़कर देखो, महाराज कृष्ण चंद्र ने भेजे हैं। दूत के मुंह से आपका समाचार सुन के बहुत खुश हूँ मैं, लेकिन उससे ज्यादा पत्र पढ़कर मैं खुश हुआ हूँ। ये पढ़कर मैं बहुत खुश हुआ हूँ कि आपके सरोवर अलादीन से मेरे सरोवर पद्मा से विवाह किया जाएगा। मुझे ये बात मंजूर है, लेकिन इसके लिए आपको अपने सरोवर अलादीन के साथ बरात लेके आना पड़ेगा हमारे राज्य, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में यह नियम है कि दुल्हा दुल्हन के घर बरात लेके आते हैं और दुल्हन को विदा करके ले जाते हैं। हम पंडित और मौलवी से शादी का तारीख तय कर दिए हैं। अगले महीने 15 को शादी है। लग रहा है कि गोपाल का कोई चाल है, कहीं वो हिंदू पंडित से कहीं मेरा दंगा फसाद ना करा दे। और ये भी हो सकता है वो दिल्ली से हिंसा का पास कहे ना दे। कहेगा क्या? कहेगा गोपाल, आप अपने सरबर अलादीन को लेकर कृष्ण नगर विवाह के लिए नहीं ले जा सकते हैं, और कृष्ण चंद्र का सरवर पद्मावती का विवाह नहीं हो पाएगा। जब विवाह नहीं होता है तो यह कन्या का बहुत बदनामी होता है। उस बदनामी के आरोप में आपके बारे में गोपाल दिल्ली से हिंसा से कह सकता है, और सहिंसा आपको ये कन्या का विवाह तोड़ने के आरोप में सजा दे सकते हैं। अब क्या होगा, मैं तो बहुत मुसीबत में पड़ गया हूँ, क्या करूँ अब? क्या और करेंगे, आज का रात आराम से बिता लीजिए। कल सुबह विवाह का दिन जब बीत जाएगा तब हम तीन मौलवी को मुर्शिदाबाद भेज देंगे सुल्तान बहादुर के पास। महाराज, आपसे मैं विनती करता हूँ, आप गोपाल का बात मत सुनिए, वरना फिर से मुसीबत में पड़ जाएंगे। अगर गोपाल के विचार से महाराज इस समस्या से निकल जाएंगे तो तब क्या करोगे? गोपाल का पैर धोकर पियोगे? पैर धोकर पानी क्यों पीऊंगा, गोपाल का जूता अपना जीभ से चाटकर साफ कर दूंगा। अगर गोपाल नहीं कर पाएगा तो वो क्या करेगा? तो कसाई मुझे और मेरे परिवार को गला काट देगा और क्या। लेकिन आप कल का इंतजार कीजिए, तो फिर देखिएगा मैं क्या करता हूँ। We'll be right back.
तो फिर मैं चलता हूँ। हाँ हाँ जाओ जाओ, मैं जो बोला हूँ याद रखिएगा। हाँ हाँ नहीं भूलूंगा, चलो 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 सब चलो। हाँ चलो चलो, अब समझेंगे नवाब बहादुर कितना धन में कितना चावल। सलाम, क्या हुआ? कृष्णा नगर से 3 मौलवी आपसे मिलने आए हैं। मौलवी? वो भी कृष्णा नगर से आए हैं? ठीक है, उन्हें ले आओ। जो हुकुम का गोपाल, तुम्हारा 3 मौलवी कहा है? 3ों में से कोई नहीं आया। आ ही गए हैं। हम आ गए हैं और साथ में लाया हूँ कन्या का शादी तोड़ने का 2 लाख मुद्रा, और ये लीजिए पत्र। लग रहा है माफी का पत्र है। महाराज पत्र में क्या लिखा है? सुनो आप सब, महाराज कृष्ण चंद्र आपको मैं सलाम करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे, लेकिन मैं ठीक नहीं हूँ। मैं अपना सरोवर अलादीन से आपके सरोवर पद्मावती से विवाह नहीं करवा पाया, इसीलिए शर्मिंदा होकर आप सभी से मैं माफी मांगता हूँ। और ये कन्या का विवाह तोड़ने के जुर्म में 2 लाख मुद्राएं दिया हूँ। ये कन्या के विवाह में जितना धन लगता है और उसका पूरा जीवन बिताने में जितना खर्च होता है उतना दिया हूँ गोपाल। ये तो मामूली सी बात है महाराज, खुद नवाब बहादुर ही ये कहे थे कि हमारी मुस्लिम धर्म में अगर किसी कन्या का विवाह तोड़ दिया जाए तो उसे दंड स्वरूप उस कन्या का पूरे जिंदगी का खर्च देना पड़ेगा। क्यों मंत्री जी, आपको अब गोपाल का जूता चटना होगा? नहीं नहीं, वो मुझसे उम्र में बड़े हैं, मैं उनसे जीत कर भी ऐसा नहीं करवा सकता हूँ। मैं प्रणाम करता हूँ। मैं भी तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ और साथ में देता हूँ एक मोतियों का हार। जय गोपाल का जय हो, जय महाराज का जय हो, जय महाराज का जय हो, जय गोपाल का जय हो, जय महाराज का जय हो, जय महाराज का जय हो। सुनो लूसी और पुसी, मैं एक जरूरी काम से बाहर जा रही हूँ। मुझे घर वापस आने में थोड़ी देर होगी और इसीलिए मैं जब तक वापस नहीं आ जाती तब तक तुम लूसी तुम घर का ख्याल रखना और पुसी तुम फ्रिज का ख्याल रखना ताकि कोई कुछ खा ना ले उसमें से। आंटी का ये विचार मुझे पसंद नहीं आया। मेरे टाइम खा, तेरे टाइम खाना, जिस पे जो सूट करता है। ठीक है, किस पे क्या सूट करता है समय आएगा तब पता चलेगा तुझे। नींद आ रहा है, थोड़ा जाके सो जाता हूँ। लेकिन लूसी पे मुझ पे भरोसा नहीं, मौका मिलेगा तो वो फ्रिज खोल के सारा खाना खा जाएगा। उससे अच्छा जाके मैं फ्रिज के पास ही सो जाता हूँ। जा रहा हूँ। अरे ये पुसी ठीक फ्रिज के सामने ही सोया है, अब क्या करूँ? एक आइडिया आया है मुझे।
हेलो हेलो, तुम आज मेरे साथ लंच करना, जल्दी जल्दी आ जाओ मेरे पास, जल्दी आओ। ठीक है लूसी, मैं अभी आ रहा हूँ। शबाश शबाश लूसी शबाश, इसी को कहते हैं अत्यधिक चतुर। अरे ये क्या, मैं तो बूसी को बोली थी कि खाने का रखवाली करना, ये तो यहाँ पे पड़े पड़े सो रहा है। बूसी ए बूसी, मैं तुझे क्या बोली थी कि खाने का पहरेदारी करना, तुम यहाँ पे सो रहे हो? हाँ हाँ, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए आंटी, मैं फ्रिज में एक मक्खी भी बैठने नहीं दिया हूँ। हाँ हाँ, ये क्या, यहाँ से खाना कहाँ चला गया, मैं तो यहाँ से हिला भी नहीं हूँ। हाँ कहाँ गया? हाँ तुम यहाँ से हिले भी नहीं, इसीलिए मेरे फ्रिज में से सारा खाना गायब हो गया। रुको मैं तुम्हें बताती हूँ मेरी बात ना मानने की क्या सजा होती है। विश्वास कीजिए आंटी, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। रुको मैं अभी तुम्हें बताती हूँ, रुक। बचाओ 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 बचाओ, मत मारो आंटी, मत मारो मत मारो, रुक रुक रुक, अभी रुक रुक, बताती हूँ तेरे को, रुक। सब समझ गया पुछी, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। वही तो सोच रहा हूँ। ठीक है मैं ही कुछ सोचता हूँ कि क्या किया जाए उन लोगों का। जो सोचना है जल्दी सोचो। सुनो लूसी, मैं बाजार जा रही हूँ, जब तक मैं ना आऊँ तब तक तुम फ्रिज का ख्याल रखना। जिस पे जो सूट करता है, क्यों लूसी है ना? अब तुम्हें समझ में आएगा बेवकूफ, दूसरों को फंसाने का क्या नतीजा होता है। ए तो खाने के डिलीवरी वाले का आवाज लग रहा है, लग रहा खाना लेके आया है। उसी देखना लेट डिलीवरी आया है, उससे पहले मैं खाना खा लेता हूँ। जमादार आइडिया था, अब टाइम वेस्ट मत करो, चलो फटाफट खा लेते हैं इस खाने को। हाँ हाँ हाँ, चलो खाते हैं चलो। लूसी ये तुम्हारे हाथ में क्या है? एक खाने का पार्सल है, आपके लिए मंगवाया हूँ, लीजिए लीजिए ये देखिए। रुको देख रही हूँ, उससे पहले जाके देखती हूँ फ्रिज का खाना सही सलामत है कि नहीं। मैं पूसी को फ्रिज के आसपास भटकने नहीं दिया हूँ आंटी जी। अरे ये क्या, ये सब कैसे हुआ? कैसे हुआ ये बाद में देखूंगी, पहले मैं इस पार्सल को खोलती हूँ, फिर इसी में भरकर तुम्हें पार्सल कर दूंगी। अच्छा ऐसी बात है, तू मुझे बेवकूफ बना रहा है, रुक तेरे को बताती हूँ, तेरे को पीट पीट के लाल कर दूंगी, रुक। बचाओ 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 बचाओ, आंटी नहीं आंटी नहीं नहीं, मत मारिए आंटी। इसी को कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। आता होता आगा बोला।
इस टीम में ले लिया गया। मैं भुंदा की वजह से आज इंटर क्लब फुटबॉल टूर्नामेंट में मैं भाग नहीं ले पाया हूँ। तो फिर मुझे कुछ न कुछ करना ही होगा इस बार। उस गुंडा को मैं किसी भी कीमत पर मैं खेलने नहीं दूंगा, किसी भी कीमत पर नहीं। कंग्रेचुलेशन गुंडा, फुटबॉल टीम में नाम आ गया तुम्हारा। थैंक यू, लेकिन तेरा नहीं आया। क्या करूं, हम दोनों में से एक को ही मिलना था, क्योंकि मैं और तू एक ही पोजीशन पे खेलते हैं, इसलिए। हाँ हमदा। कोई बात नहीं, तू तो खेल रहा है, मुझे तो चांस नहीं मिला, अगले बार मैं खेलूंगा। चल उठ, चल चल उठ, मैं शॉट मार रहा हूँ और तू सेव कर। ठीक है, मैं भी प्रैक्टिस के लिए प्लेयर नहीं पा रहा था, थैंक यू। हमदा तू देखना मैं तुझे कैसे प्रैक्टिस करवाता हूँ। बहुत बड़ा खिलाड़ी बन गया है ना तू। हंदा मैं तैयार हूँ, मार। तैयार हूँ, ले बंदा। मर रहा हूँ। ये क्या किया? बहादुर बहादुर, अभी तू उस मोटू को पकड़कर मेरे सामने लेकर आ। बड़ा आया है फुटबॉल खेलने वाला, मार मार कर कचूमर बना दूंगी। ये क्या, मैं तो सोच रही है कि बॉल में मारा हूँ, मैं नहीं मारा हूँ, अंदर मारा है। बहादुर बहादुर पकड़ उसे, बांध कर ले आ मेरे पास। अंदर ये तूने क्या किया, फंस गया मैं, भागो। उसका प्रैक्टिस बर्बाद कर दिया हूँ, अब मैं उसे असली मैच भी नहीं खेलने दूंगा, आज ही मैच है। ये साइकिल लेकर तो बंदा खेलने जाएगा। उससे पहले मैं इस साइकिल लेकर थोड़ा मरम्मत कर देता हूँ, बस काम खत्म हो गया, मैं जा रहा हूँ। आज का मैच मुझे जीतना ही पड़ेगा, इसलिए मुझे ग्राउंड में जाकर प्रैक्टिस करना चाहिए। ये क्या, साइकिल का ब्रेक काम नहीं कर रहा है? हाँ सच में साइकिल तो ठीक था। ये क्या हो गया है, ब्रेक फेल हो गया है। मुझे देखकर बहुत दुख हो रहा है। ऐसे कोई साइकिल चलाता है? इतना बड़ा मैच खेलने का मौका क्या बार बार आता है? हंदा हंदा बॉल को सेव कर तू। हंदा सही से खेलना, सही से खेल। बॉल ठीक से पकड़ना। ये गेम तो हम ही जीतेंगे। ओए हंदा, तुझे हम छोड़ेंगे नहीं। तू ग्राउंड से निकल बाहर, तब तुझे मैं देख लूंगा। निकल, तू क्लब में आएगा तब तुझे मैं मजा चखाऊंगा। ये क्या हुआ हंदा, तेरा हालत एक कैसे हुआ है? मैं तो चुनकर दौड़ते दौड़ते आया। हाय हाय, मैं तो मर गया, वो टीम इतना मजबूत था, मुझे समझ में नहीं आया कितना अच्छा खेल रहे थे वो। हाँ वो लोग तो किक अच्छा मरते हैं। मतलब और क्या, मैं क्लब में जाकर सुना हूँ कि मैच होने के बाद तुझे क्लब के अंदर ले जाकर तुझे बहुत मारे हैं। मैं अब जा रहा हूँ, अगले मैच के लिए आज क्लब में प्रैक्टिस है। लग रहा है तुझे अगला मैच तक इसी बेड पे ही रहना होगा। मैं दोबारा फुटबॉल नहीं खेलूंगा।
बहुत मार खाया हूँ।